ठीक है सर, गौतम अडानी के ऊपर मुकदमा जो है 2200 करोड़ रिश्वत देने का नहीं आता है। भाई तेरा होगा होगा होगा, और उसे इतनी दूर जाने की जरूरत कहां थी, वो तो यही देश में ही कर लगता काम, यहाँ सब उसके पास हो जा, ज्यादा दूर कहां जाने की जरूरत थी उसको। नहीं, जो रिश्वत दे रहा था और वो जो पूरा उसके प्लांट है उसका, वो भी सरकारी है। जब आदमी सरकारी है, ये भाई आदमी भी तो सरकारी है, ये इसका मतलब सरकार रिश्वत दे रही थी बाहर, तो इमेज क्या रहेगी कि एक सरकारी कंपनी अपने देश की और बाहर जाकर रिश्वत दे का काम कर रही, तो उसका मैसेज क्या जाएगा और क्या भारत की इमेज रहेगी और क्या यहाँ के उद्योगपतियों की इमेज रहेगी। ये सब कल मतदान हुआ है, कई जगह मतदाताओं को रोका गया, पिस्टल तक पानी गई है महिलाओं पर। भाई वो तो सबको पता, रामपुर जैसे क्षेत्र में और जीत हो जाती हो, मतदान कैसे सरकार के पक्ष में होगा, ये पूरा प्लांट होता है, ये वही हुआ और वही देखने को मिला। अब चुनाव उस तरह के कोई चुनाव थोड़ा देश में हो रहे, तो डरा धमका के चुनाव हो रहे। महाराष्ट्र में एक बार फिर जो है उद्धव ठाकरे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाई पता कुछ नहीं, यहाँ से हरियाणा में कहते हैं कि उनकी बनेगी, बनी दूसरों की, इसमें कहते कुछ नहीं है, बयान जनता से कुछ दुआते हैं, मैसेज कुछ जाता है और वोट पड़े भाई किसी और को, वोट पड़े सरकार को ही, ये गणित समझ में नहीं आया किसी के भी, ये चुनावी जो गणित है ना, अब ये समझ से परे है। तो सब गन्ने का सीजन चल रहा है, अभी तक सरकार ने गन्ने का मूल्य नहीं पढ़ा, गन्ने का मूल्य नहीं पढ़ा, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ के कागजों में भुगतान भी हो गया और मूल्य भी बढ़िया मिल रहा, और अब तो सरकार में लोग शामिल है भाई, अब तो आधी जिम्मेदारी तो उनकी भी बनाती है, जो लोग आंदोलन करते थे वे आज सरकारों में शामिल है, तो वे काम करवा, अब आंदोलन की जरूरत कहां रहेगी देश में। तो जयंत चौधरी आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे, भाई पता नहीं, हम नहीं जानते क्यों नहीं उठा रहे, भी तो वही बताऊंगा, भाई यही तो थे अभी चुनाव में, चुनाव में दो बार आए लेकिन उन्होंने कोई भी घोषणा किसानों के। अब भाई बताओ क्या करे, जब अगर सरकार में रहकर घोषणा नहीं करते, विपक्ष में घोषणा करे रहेगा तो फिर तो विपक्ष ही ठीक है, अब तो ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बने, जो किसानों के हमदर्द पार्टियां हैं तो ये काम करवावे वहां पे। आप भी किसान नेता हैं तो आगे का कोई मूवमेंट रहेगा, हमारा 26 तारीख का प्रोग्राम है, 26 तारीख को देश में बड़ा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 26 नवंबर को 2020 में जो दिल्ली का आंदोलन चला, तो उसकी वर्षगांठ है किस्म से ये, और ये पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अपनी डिमांड को लेके, वो एमएसपी का सवाल हो या भूमि अधिग्रहण का हो या गन्ना या दूसरी फसलों के सवाल हो, उन सबको लेकर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सब लोग जाएंगे और दिल्ली के आंदोलन की वर्षगांठ मनाएंगे। चौथी एक दिन का आज चुनाव है, चुनाव कहाँ हुआ, सरकार चुनाव लड़ी, यहां से सरकारी कैंडिडेट चुनाव लड़े, तीन तो सरकारी कैंडिडेट थे, एक विपक्ष का था, तीन सरकार के थे, चुनाव था कहाँ यहाँ से। साहब 2200 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला एक सामने आया है, अडानी जी पर क्या कहना चाहेंगे, बड़े उद्योगपति देखो बाहर जाके तो काम कर रहे थे, अभी तो यही काम कर रहे थे लोग है, और रिश्वत देने की कोशिश करी होगी, पकड़ा गया होगा, उनकी तो इंटेलिजेंस बहुत सही है ना। आपने कहा कि यहाँ पे मुकदमा दर्ज होता है तो बाहर पे तो होते हैं, हाँ बाहर हो, यहाँ कौन मुकदमा दर्ज करे, यहाँ तो सब अपना कर ले काम, और ये बताया गया कि वो जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी बाहर जाकर काम कर रही, रिश्वत दे रही, अपनी क्वालिटी मेंटेन यही करना चाहिए, और ग्रीन एनर्जी पे जो काम है भारत में बहुत काम है यहाँ पे करने का, तो यही काम करना चाहिए। विदेश में छवि खराब होती है,
भारत की छवि भी खराब होती है, जो भारत के नए नए उद्योगपति बन रहे हैं तो उनकी भी छवि खराब होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।